जरा बता दीजिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि ध्यान साधना इसलिए की जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल पर उसके असर से क्या डर लग रहा है उनको? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां ध्यान लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी के डर के कारण है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ध्यान साधना करके, मौन व्रत के करके भारत की उज्ज्वल आध्यात्मिक परंपरा का संवाहन किया है, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने जिस जो है रॉक पर बैठकर उत्तिष्ठ भारत का जो है प्रवास प्रारंभ किया और उत्तिष्ठ भारत का नारा दिया, आज वहीं श्रेष्ठ भारत को शिखर पर पहुंचाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ले रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर स्वामी विवेकानंद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, अरविंदो घोष का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, इन सब का बंगाल पर बहुत व्यापक प्रभाव है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब दो दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जब उन्होंने कोलकाता में रोड शो निकाला, तो उस रोड शो में जिस तरह से तमाम जो है उत्पीड़न के बावजूद ममता बनर्जी के प्रशासन ने हर संभव जो है उस रोड शो को विफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, उनके रोड शो में सम्मिलित होने के लिए जिस उत्साह से आई, उस उत्साह को देखकर ममता बनर्जी की रूह निश्चित तौर पर कांप गई। इसी तरह से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भी रोड शो में, इन दोनों रोड शो में स्वयं शामिल था, और जिस तरह से बंगाल की जनता में उत्साह का आलम है, उस उत्साह को देखकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उनकी मुखिया पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। संदेश खाली का बदला लेने के लिए बंगाल की जनता जो है आतुर है। जो शाहजहां शेख जैसे बलात्कारियों को जिस तरह से ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता के साथ, पीड़िताओं के साथ उनका व्यवहार रहा, और जिस तरह की ममता उन्होंने बलात्कारियों के प्रति प्रदर्शित की है, उन सबको देखकर बंगाल का भद्रलोक इस बार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जनादेश देने के लिए तत्पर है। और आपको आखिरी चरण में भी ये दिखाई देगा, पहले के 6 चरणों में भी जहां जहां भी मतदान हुए वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है। आखिरी जो ये 8 सीटें जिनका आप जिक्र कर रही हैं आखिरी चरण में, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में बंगाल की जनता हुंकार भर के मतदान कर रही है। देखिए, मैं बंगाल की भी बात कर रही हूँ, अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यूपी की भी बात कर रही हूँ, यूपी की 13 सीटों पर कल वोटिंग है। लेकिन अजीज खान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी सपा के कार्यकर्ताओं से या फिर प्रवक्ताओं से, आपके जैसे नेताओं से बात करते हैं, वो बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, बाकी सब आप कहते हैं हमारी आ रही है, लेकिन एक बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, मतलब 79 हमारी, बाकी एक आपने बीजेपी को दे दी यूपी में, ये आप लोगों का गणित है। मुझे ये बताइए, बनारस की सीट सीधे सिर्फ बनारस की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सीट है 2 बार से, और 3री बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कल जब वोटिंग होगी तो सिर्फ बनारस पर वो प्रभाव डालेगी, बाकी की यूपी की सीटों पर प्रभाव नहीं डालेंगे? देखिए सुचेता जी, आपने कहा कि बनारस की सीट पर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी, बनारस में ये माहौल है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट भी बीजेपी के हाथ से जा रही है, पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए। वाह, ये बिल्कुल हम खुला चैलेंज कर रहे हैं इस बात को कि माननीय मोदी जी भारी वोटों से। सर, मैं वैसे बता दूं, आप पहले प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं आप पहले प्रवक्ता हैं, बाकी सब लोग वो एक बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, आपने 80 की 80 कह दी। मैं आप इसको मैम रिकॉर्ड कर लीजिए, कर लिया सर, रिकॉर्ड हो गया, और 4 जून को हम आपके साथ जुड़ेंगे और दिखा दीजिएगा, एक रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि श्रेष्ठ भारत में ये हो रहा है, इसी श्रेष्ठ भारत में, इसी महान भारत में माननीय मोदी जी 10 साल राज किए, और 10 साल को कहां पहुंचा दिया, 10 साल राज करने के बाद 50 साल इस देश को पीछे कर दिया, आज इसी पीछे करने के, जो पीछे किया है इसी का पश्चाताप करने के लिए, इसका पश्चाताप करने के लिए आज वो मौन धारण करने गए हैं। हारने से पहले, 4 जून से पहले, मैं कह रहा हूं 4 जून के बाद तो जाना ही था, फिर मौन धारण करना ही था,
लेकिन 4 जून के पहले जो मौन धारण किया है, जिस तरह वहां पे साधना करने गए हैं, वो पश्चाताप है, क्योंकि देश को धोखा दिया। जो पेपर लीक हुआ, 60 लाख युवा आज कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया है, उसका पश्चाताप करने गए हैं। तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, किसान जो जिस तरह परेशान है, 10 साल उसको आपने वायदा किया था, उसको कुछ नहीं दिया, उसका पश्चाताप। तो मैं एक बात आपको बता दूं सुचेता जी, कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बांग्लादेश, चाहे बंगाल हो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कल का चुनाव होने जा रहा है निर्णायक है, और बीजेपी सर आप जब बोल रहे हैं तो क्योंकि आमतौर पर हर शो में टीम होती है, यहाँ पर भी हमारी टीम है, वो कह रहे हैं कि जरा अजीज खान साहब से पूछिए कि शालिनी यादव जी कितने वोटों से हारी थी, वो शायद भूल गए हैं। आजकल क्या होता है जब हम डिबेट करते हैं तो सब लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या है। तो ये सवाल मतलब मुझसे कहा गया कि मैम पूछिए इनसे। अब आप ये सोचिए कि वोटर और जो व्यक्ति देखता है टीवी, उसकी कितनी दिलचस्पी है इस बात में कि दावे जो किए जा रहे हैं वो रियलिटी के करीब है या उससे इतर है। अब ये सवाल आपसे पूछूं मैं, या फिर आप इस पर ये कहना चाहेंगे कि शालिनी यादव वाली बात पुरानी हो गई, अब आगे चल रहे हैं चुनाव आ गए। मैं देना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सुचेता जी मैं देना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनिए मैम, कि तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। एक बात आप जान लीजिए, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से काशी की स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी ले लें आप, जिस तरह हमारे नेता का सम्मान बढ़ा है, जनता जिस तरह बिल्कुल पूरी तरह से मोहब्बत कर रही है, और मोदी जी ने धोखा दिया है, वो क्या काशी में धोखा नहीं हुआ? काशी में कहा था क्योटो बना देंगे, काशी के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। देखिए आज देखिए क्या क्या हुआ, काशी के साथ क्या क्या धोखा हुआ, तो क्या काशी की जनता? देखिए जो 400 पार की बात हो रही है ना अजीज खान साहब, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बल पर हो रही है, और नरेंद्र मोदी की वो सीट बनारस की जो सीट है उसे उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आज मैं आपको सच बता रही हूँ, पहली बार किसी पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात बोली है कि वो तो सीट हार रहे हैं, वरना इस पर चर्चा ही नहीं होती है, बाकी सीटों पर हम चर्चा करते हैं। मैं एक बार जरा बता दूं, एक बार मैं जरा बता देती हूँ कि हमारे साथ गोरखपुर, क्योंकि कल एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट गोरखपुर भी है, और गोरखपुर से हमारे साथ सांसद रवि किशन जुड़ रहे हैं। मैं एक बार जरा बता दूं, कल उनके सीट पर वोटिंग होनी है। लोकप्रिय अभिनेता हैं, अब सांसद हैं, और रवि किशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं आपसे पूछूंगी यूपी में क्या हाल बा और देश में क्या हाल बा। थैंक यू सुचारिता जी। क्या क्या हाल चल रहा है इस बार यूपी में, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं। यूपी में बम बम बा, विकास के गंगा बहत बा, मोदी योगी जी के पूरा सच्चाई के सत्यता के खेल बा, और ओकरा अंदर राम मंदिर प्रभु राम के आशीर्वाद बा, और विरोधियन के लोगन के जिंदगी झंड बा। ये लोग पूरा उत्तर प्रदेश के देश के लूट के बैठ गई ना, खा के बैठना हम जाने चाहे कि इन लोगन के कौन बात के घमंड बा, किस बात का घमंड है, कह रहे हैं रवि किशन के इन लोगों को किस बात का घमंड है। अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, इस बार यूपी की 80 सीटें रवि किशन जी, कहा जाता है जो जीत लेता है वही दिल्ली की कुर्सी पर राज करता है, हमने पिछली बार से देखा है 14 में भी 19 में, इस बार क्या आकलन है आपका यूपी को लेकर, 80 सीटें कितनी आ रही है आपके खेमे, कितनी ला रहे हैं आप लोग? एकाध सीट सुचारिता जी मुझे छटक जाएगी एकाध, लेकिन मैं पूरे के पूरा विश्वास है कि 79 to 78 सीट वी आर गेटिंग इट वेरी इजीली, बिकॉज हम लोगों के काम लाभार्थी की चीज़ें, मैं गाँव की राजनीति गोरखपुर अगल बगल के 12 जिलों को मैंने जितना मेरा आकलन है, एवरी वुमन एवरी हाउस होल्ड, हर माँ बहन बेटी, एवरी यूथ मोदी जी को अपना नेता मानता, क्योंकि मैं डायरेक्टली पूछता भी हूँ आपको, राहुल गांधी जी चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर, स्टालिन चाहिए, शरद पवार साहब चाहिए, लालू यादव चाहिए, अखिलेश यादव जी,
उन लोग बोलते हैं नहीं, मैं उनको नाम भी बताता हूँ कि 26 लोगों का दल जो आया है, सॉरी दल आया है, मैं उसमें से आपको बताऊंगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर। तो लोग बोलते हैं, और थोड़ी देर पूछ लेता हूँ कि तहीं तो ही बतावा के चाहिए तोरा के चलाई 140 करोड़ का देश के, कौन चलाएगा, कौन आतंकवादियों को अपने घुटने पे टेक कर उनके छाती पर जूता रख सकता है, बताओ मुझे कौन है जो विश्व, पूरे विश्व में हर बड़े बड़े नेताओं को ये कहने पे मजबूर कर दे कि योर बॉस, यू आर द फ्यूचर, आप भारत अब अगला फ्यूचर है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं, आप योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, योगी आदित्यनाथ और आपकी जो केमिस्ट्री है उसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं, जो जुगलबंदी है उसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। मैं पूछूंगी आपसे, ये आपका वोट है या योगी आदित्यनाथ का वोट है यूपी में गोरखपुर की सीट? जब वोट यहाँ पर मोदी जी योगी जी का, पूज्य महाराज जी का, मैं एक सेवक हूँ और मैं नेता नहीं बन सकता, मुझे लगता है मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ, मैं कलाकार के रूप में भी सेवा कर रहा था, सबके दुख हरता हूँ, सबको आनंद देता हूँ कई सालों से टीवी पर या पर्दे पर आके, यहाँ भी मैंने वही, तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ जरा। यहाँ पर ये मंदिर की मठ की सीट है परंपरागत जो चली आ रही है, मुझे उसकी सेवा करनी है। तो कहीं पर कोई सपने, फालतू के सपने इरप्ट नहीं होते, क्योंकि मैं दुनिया की सारी शोहरत दौलत देख के आया हूँ, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं जो पगला सकती है, मुझे अट्रैक्ट करो, ओ दीवाना बस, सारे महादेव अपने को सारे डमरू बजा चुके हैं मेरी जिंदगी में, मैं सब डमरू उमरू पूरा नगाड़ा नाच वाच के पूरा तांडव करके यहाँ आया हूँ। तो अब यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, खुशी मिलती है को माँ बोलती कि मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई, आपने अस्पताल दिया। आपने रवि किशन जी, आपने क्योंकि बात की मठ की और आपने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक तरफ ध्यान में लीन है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां वो ध्यान में लीन है, हाँ वो जहां पर लीन है कन्याकुमारी में, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर बहुत सारे वार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना अटैक है उस ध्यान पर? हिंदू विरोधी है, ये हिंदू विरोधी तो रहे पूरे जीवन, ये राम विरोधी रहे, मंदिर विरोधी रहे, सनातन विरोधी रहे, हिंदुओं को देखना कौन चाहता था, ये वही विरोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं। हिंदू नाम से इन लोगों को मिर्गी के झटके आते हैं, भगवा ये कलर इसलिए पहन लेता है, ऐसा देखते ही लोग कोमा में चले उछल, ऐसा ऊपर से उछल उछल के 3 फीट नीचे गिरते हैं, जैसे मैं कंधे पे डालता हूँ या मैं तिलक लगाता हूँ पगला जाते हैं या हाथ में ये देख लेते हैं, तो वैसे मिर्गी के झटके आने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेत है, उनके अंदर पिशाच आत्माएं हैं, वो सब लोग हमको पा लेते हैं, तो एकदम फिर एकदम आत्मा, बुरी आत्मा हमको देखेगा तो पगलाएगा ही ना, अब वो प्रधानमंत्री को ऐसे देखेगा तो सारे भूत पिशाच तो नाचेंगे ही ना, ये सब बुरी आत्माएं हैं, सब भूत पिशाच हैं, सब शैतान लोग हैं, ये सब बुरी आत्माएं हैं आप कह रहे हैं। रवि किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है कि आप व्यस्त है।